हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल सा लुक। एक्चुअली मैंने रिसेंटली नायका से परचेज किया है। नायका का जो ग्लैमर आईज जो कलर्ड लाइनर्स होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ टेस्ट करके सामने ही टेस्ट करके दिखाओ या फिर फर्स्ट पहन के दिखाओ। तो इसी वजह से मैंने ये वाला लुक, बहुत ही आसान है, आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड कोई भी आई शेडो का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। एंड बहुत ही सिंपल सा एक लुक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो मैं पहले प्राइमर लगा रही हूँ, नायका का प्रिप मी अप प्राइमर, और मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आती हूँ कंसीलर पे। सो मैं मेबलिन के फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम 25 यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं पहले कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं उसके बाद इसको अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, नाउ अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं आती हूँ फाउंडेशन पे। एंड मैं फाउंडेशन आई एम यूजिंग द नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन इन द शेड 03 वॉर्म सैंड। एंड मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये वाला फाउंडेशन जो है बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, लेकिन इसमें एक अच्छा ग्लो आता है। एंड मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपने अपर आई एरिया पे भी लगाऊंगी, आंखों के ऊपर भी लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं कोई भी आई शैडो नहीं यूज़ कर रही हूँ एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ही फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट मैं आती हूँ कंसीलर टू हाईलाइट मेरे आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स जो है उसे हाईलाइट उसको छुपाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड सैंड 20। और मैं अच्छे से अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, मैंने पाउडर अप्लाई किया है एंड मैं एक्सेस पाउडर को अभी ब्रश ऑफ कर दूँगी। एंड गाइस, मैं अच्छे से जहाँ जहाँ पे भी पाउडर अप्लाई किया था वो मैं अच्छे से जो भी एक्सेस पाउडर है वो मैं उसके बाद मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि लुक अच्छे से आए एंड कोई भी हार्श लाइन से हार्श एजेस ना रहे। फॉर आईज़ मैं नायका का काजल, ग्लैमराइज काजल यूज़ कर रही इन द शेड मिडनाइट मेज। ये मैंने नया परचेज किया है, तो इसी वजह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये वाला काजल बहुत ही क्रीमी है गाइज, आप देख ही सकते हैं, इसका कलर भी डीप ब्लू काइंड ऑफ अ शेड है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। गाइज, नाउ मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से। सो गाइज, मैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी दोनों आईज पे ही। एंड गाइज, मैंने ब्राउज तो पहले ही बना लिया है, उसके लिए एक अलग सा ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, तो आप चाहो तो देख लेना। एंड गाइज, अब मैं थोड़ा सा फॉर टू हाईलाइट माई क्रीज और टू डिफाइन माई क्रीज मैं थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लेके जस्ट क्रीज एरिया पे भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। एंड मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ गाइज अभी। और आज मैं कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अभी ब्लश यूज़ करूँगी। एंड मैं ये वाला दो शेड मेबलिन के ब्लश पैलेट से लेकर अच्छे से अपने वेगा ब्रश की मदद से आई एम प्रेसिंग इट ऑन माय चीक्स। एंड गाइस, इसके बाद मैं थोड़ा सा काजल अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। एंड काजल के लिए मैं अपने नायका रॉक द लाइन काजल ही यूज़ करूँगी। एंड अभी मैं टियर डक्ट एरिया को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। एंड गाइज, अभी मैं अच्छे से हाइलाइटर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट करना है। तो गाइज, आप चाहे तो हाइलाइटर स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा लुक है। एंड गाइज, मैं अभी थोड़ा सा अपने आई शेडो ब्लश को लेकर थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे काजल। ये चाहे तो आप कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो यहाँ पे अपने लोअर लैश लाइन पे वही सेम ब्लू लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग द मेबलिन मस्कारा। मैं अच्छे से कोट कर रही हूँ अपने लैशेस को।
अपर लैशेस एंड लोअर लैश दोनों पे भी आज मैं कोई भी फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं अपर लैश एंड लोअर लैश लाइन पे अच्छे से मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। So guys, I hope you really enjoyed this video. Let me know your thoughts in the comment section below and I will be back with my another video very soon. And guys, मेरे video को like करना and मेरे इस video को share करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास नए video लेके ज़रूर आऊँगी। ये वाला जो look है बहुत ही simple है, I hope आप ये video बहुत enjoy किए। So don't forget to subscribe to my channel and bye!